फ्रेंड्स सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एनालिटिक फंक्शन है। तो एनालिटिक फंक्शन से आपको बता दूं पहले मैंने कि बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, देख लो जाके। क्वेश्चन है प्रूव दैट u बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बोथ u एंड v सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशंस। ये कह रहे हैं कि u v दोनों हमारी फंक्शन है, किसको सेटिस्फाई करें, लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। बट u प्लस आई वी इज़ नॉट एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z। देखो अब आप एक बार बताओ मेरे को, प्रूव कब करेगा? प्रूव जब ये करेगा सर कि जब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यू हमें ये दिया है, वी हमें ये दिया है। पहले हमने डेल यू ओवर डेल एक्स निकाला, टू एक्स आ गया, डेल यू ओवर डेल वाई निकाला माइनस का टू वाई आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया डेल वी ओवर डेल वाई। ठीक है, जब आप वी अपॉन वाई का डेल वी अपॉन डेल वाई निकालोगे ना, ठीक है, तो आपका ये फंक्शन बनेगा। मतलब आपको पता होना चाहिए, तो इसका डेल वी ओवर डेल वाई के सापेक्ष करो, इसका करो फंक्शन वाई के सापेक्ष। ठीक, फर्स्ट सेकेंड लगाओ इसमें, तो पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, माइनस का बन जाएगा, फिर इसका करेंगे तो आपका टू वाई स्क्वायर बचेगा। नीचे हमारा दूसरा फंक्शन आ गया, इसका हो जाता है होल स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसका हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन हमारा आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर हम निकालेंगे डेल वी ओवर डेल एक्स, तो हमारा आएगा टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसका निकालना है। देखो जैसे बाई है माइनस का बाई का करेंगे तो बाई तो होगा नहीं, एक्स स्क्वायर का कर दो, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2x का, और यहाँ पे आपका ओनली बाई बचेगा। ठीक है, नीचे आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर है, तो आपका होल होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये बनेगा 2x बाई। पढ़ा तो होगा अपने फॉर्मूला, फर्स्ट पद ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस सेकेंड पद ऐसा ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, माइनस नीचे जो वैल्यू दे रखी है सेकेंड पद, उसका होल स्क्वायर। ओके, फिर हमने इसका निकाला डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इसका हमने निकाला डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमने इसका क्या कर दिया, अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखो हमारा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर टू आया है। ठीक है, समझ गए, और हमने डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल वाई स्क्वायर माना, ये वाला पता आया निकल के, ये हमारा डेल स्क्वायर भी बराबर माइन टू आ गया। और जब वाई स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो हमारा माइनस टू आएगा। यहाँ से देखो, हमने यहाँ से देखो ध्यान से, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे देखो, इसका मैं अगेन डिफरेंशिएशन करूँगा तो कितना आएगा, माइनस टू आएगा। ठीक है, तो हमने इतना करना था कि हमें डेल यू ओवर डेल एक्स, फिर इसका डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना था। ठीक है, फिर डेल यू ओवर सॉरी डेल वी ओवर डेल एक्स। ठीक है, ऐसे हमको फंक्शन निकालना था। अब देखो ध्यान से, जब मैंने इसमें वैल्यू को पुट किया तो हमें क्या मिल गया, जीरो मिल गया, मतलब दोनों वैल्यू टू माइनस टू बराबर जीरो। ठीक है, एंड डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर हमें ये मिला, जो भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Hence both u and v satisfy Laplace equation, but we see that, लेकिन ये तो हमारी Laplace equation satisfy कर रही है, लेकिन क्या ये analytic function है, हमें को ये जानना है। देखो we see that कि del u over del x हमारा does not equal to del u over del y है, del u over del y del v over del x है। ठीक है, जो कि Cauchy Riemann equation को satisfy नहीं कर पाई, तो कह सकते हैं अर्थात ये Cauchy equations are not satisfied, therefore u plus iv is not an analytic function। ठीक है, यही हमें इतना क्वेश्चन में करना था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो करना शेयर, और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ओके, आप चाहो तो पूरा चैप्टर देख सकते हैं, सब कुछ कराया मैंने वहाँ पे, अच्छे से कराया, ब्रीफली कराया कैसे वैल्यू निकल कर आती है, तो जिस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके जल्दी से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।